कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर भारत में विपक्ष ठीक से एकजुट हो जाए और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को आगामी आम चुनाव में हराया जा सकता है। राहुल ने अमेरिका में ये बात कही है। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी की कमजोरियां उन्हें साफ नजर आती हैं। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट रूप से बीजेपी की कमजोरियों को देख सकता हूं। अगर विपक्ष ठीक से गठबंधन करता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है। राहुल ने कहा, अगर आप कर्नाटक चुनाव देखें तो सामान्य समझ ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को टक्कर दी और उसे हराया, लेकिन जो बात अच्छी तरह से नहीं समझी गई वह तरीका है जिसका हमने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से अलग नजरिया अपनाया और कर्नाटक में जीत की नींव भारत जोड़ो यात्रा के जरिए रखी गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल ने कहा, जहां तक विपक्षी एकता की बात है, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता से कहीं ज्यादा की जरूरत है। मेरी राय में सिर्फ विपक्ष की एकता काम करने के लिए काफी नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको बीजेपी के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा इस तरह का दृष्टिकोण बनाने की दिशा में पहला कदम था। ये वो दृष्टिकोण है जिससे सभी विपक्षी दल जुड़े हैं। कोई भी विपक्षी दल भारत जोड़ो यात्रा के विचार से असहमत नहीं होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि विपक्ष को एक साथ लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष को साथ लाना और भारत के लोगों को ये समझाना भी जरूरी है कि विपक्षी दलों का ये सिर्फ एक समूह नहीं है, बल्कि देश को आगे बढ़ाने का एक प्रस्तावित तरीका है और हम उन चीजों पर काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में केरल के वायनाड से पूर्व सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करेंगे।